अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे और आपकी हर विश पूरी हो, आमीन। तो चलिए गाइस, आज इसी आकाश के साथ हम करते हैं हमारा व्लॉग। तो गाइस, मैं आज कुछ बनाने लगी हूँ, तो हमें तो पहले चलना पड़ेगा किचन में, फिर ही मैं बताऊंगी कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ। तो चलिए गाइस, टाइम ज़ाया ना करते हम चलते हैं पहले किचन में, फिर मैं आपको बताऊंगी मैं क्या बनाने लगी हूँ। जैसे गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं आज क्या बनाने लगी हूँ, तो गाइस मैं आज बनाने लगी हूँ कद्दू की सब्जी और रोटी। तो चलिए गाइस, कद्दू की सब्जी में क्या क्या डालता है हम पहले वो देख लेते हैं। तो मैंने एक मीडियम साइज का कद्दू लिया हुआ है गाइस, और मैंने ये इतने पीसेस बनाए हैं क्योंकि गाइस अगर बहुत हम छोटे बनाएंगे तो गल जाएंगे, इसलिए इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बना के रख लिया है। ठीक है गाइस, फिर मैंने थोड़ी सी धनिया ली है, उसको भी कट करके रख लिया है, और मैंने एक कटोरी भर के नारियल लिया है। अब मेजरमेंट देख लेना, इसको भी छोटा छोटा पीस के रख काट के रख लिया है। मैं अब इसे ग्राइंड करूँगी, और 12 से 15 कलियाँ ली हैं मैंने लहसुन की, और इन दोनों को मैं ग्राइंड करूँगी। और मैंने 5 से 6 हरी मिर्च लिया और इस तरह से काट लिया है गाइस, देखिए। फिर मैंने एक बड़ी प्याज ली है, इसको भी छोटा छोटा से काट के रख लिया है। और मैंने 1 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच भर के ज़ीरा मेथी पाउडर। तो बघार के लिए गाइस थोड़ी सी राय, थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च। चलिए गाइस, पहले मैं इसको दोनों को ग्राइंड कर लूँगी, फिर हम बनाएंगे कद्दू की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए गाइस, मैंने बर्तन रख लिया है, इसके अंदर ऑयल डाल लिया है। अब हम डालेंगे राय, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। फिर अब इसमें ऐड करेंगे गाइस हमारे प्याज। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गाइस, जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाती तब तक हम इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे, फ्राई करेंगे गाइस। चलिए इसको अच्छे से फ्राई करेंगे गाइस। गाइस मैंने ग्राइंड कर लिया है, देखिए मैंने इतना भी बारीक नहीं किया है गाइस, थोड़ा सा मोटा मोटा रखा हुआ है, क्योंकि अगर बहुत बारीक कर देंगे तो हम ये सालन बन जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही ग्राइंड किया हुआ है। तो गाइस हमारी प्याज हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, चलिए हम इसमें मिक्स करते हैं हमारा ये पीसा हुआ नारियल। फिर गाइस इसमें हम हमारे डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और हमारे ये मसाले, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे गाइस। चलिए गाइस, जब तक हमारे कद्दू की सब्जी तैयार नहीं हो जाती तब तक मैं आटा भी गूंद लेती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच। फिर मैं आटा गूंदूंगी गाइस। तो चलिए गाइस, मैं आटा गूंद लेती हूँ, फिर हमारी हम बनाएंगे रोटियाँ। कद्दू की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है गाइस, बस मैंने दम पे छोड़ा है। जल्दी से आटा गूंद के हम फिर बनाएंगे रोटी। तो गाइस मैंने आटा गूंद लिया और मैंने पेड़ा भी बना लिया है गाइस। तो मैंने गरम होने के लिए तवा भी रख लिया है, और माशाल्लाह से हमारा बिस्मिल्लाह देखिए कद्दू की सब्जी भी तैयार हो चुकी है गाइस। तो चलिए गाइस, हम झटपट से अब हम बना लेते हैं रोटी। चलिए गाइस, मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगी। तो गाइस मैंने रोटी बेल ली है और हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तो चलिए गाइस बिस्मिल्लाह पढ़ के हम डाल लेते हैं रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वैसे आप भी ज़रूर घर में ट्राई करना, बहुत ही अच्छा बनता है कद्दू का, कद्दू की सारी सब्ज़ी। गैस आप भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गाइस मेरे चैनल को अभी तक जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना गाइस प्लीज़, आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस प्लीज़। तो चलिए, अगर गाइस अगर आपको ऑयल की चाहिए रोटी तो आप ऑयल डाल लेना, अगर आपको ऑयल नहीं पसंद तो आप वैसे ही सूखी भी बना के खा सकते हो। और एक बात गाइस, अब मैंने तो ये मैदे की रोटी बनाई है, आप अगर चाहे तो गेहूँ की भी रोटी पका सकते हो गाइस, गेहूँ की भी खा सकते हो बना के, कोई जो मर्जी आपको जो पसंद आए वो खा सकते हो गाइस। मैंने मरकिन की पकाई हूँ गाइस, हमारी रोटी लगभग तैयार हो चुकी है, तो मैं ये तब तक ही जल्दी से उठा लेती हूँ गाइस। चलिए तो चलिए गाइस, हमारी रोटी भी तैयार हो चुकी है, अब हम देख लेते हैं। माशाल्लाह देखिए गाइस कितना अच्छे से कद्दू भी कितना अच्छे से गल गया है, देखिए गाइस। चलिए गाइस अब हमें एक दफ़ा मिक्स करके फिर इसे देखिए, चलिए गाइस बिस्मिल्लाह पढ़ के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करना गाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनता है। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर एक मैं नई रेसिपी के साथ आपके बीच में आऊंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको जहां भी रखे खुश रखे, आपके हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, दुआ में याद रखना।